इसके बारे में समझते हैं, ऑपरेशन ऑफ एन इंपेडेंस रिले। चूंकि जो आपने अभी तक देखा है रिलेस के बारे में, इस डिस्टेंस रिले के बारे में, वो सारी प्रॉपर्टी सभी में अप्लीकेबल है। तो इस इंपेडेंस रिले के बारे में स्पेशली देखते हैं क्या इसमें अलग है रिएक्टेंस रिले से, क्या चेंजेस हैं इसमें, उन चेंजेस को समझते हुए इसके ऑपरेशन को समझेंगे, इसके डायग्राम को भी देखते हैं कि इसमें क्या फंक्शनिंग हो रही है। ओके, तो ये जो डायग्राम देख रहे हो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इंपेडेंस रिले का, ठीक, ये है आपका ऑपरेशन ऑफ इंपेडेंस रिले। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका ये जो इंपेडेंस रिले है वो ये यहाँ पर है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ पे जनरेटिंग यूनिट है, देन आफ्टर आपका सर्किट ब्रेकर है, बस बार है। बस बार के बाद क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर एक करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू इंपेडेंस रिले को करंट सप्लाई कर रहे हैं, वो मेजर कर रहा है, देन आफ्टर सर्किट ब्रेकर, फिर आपका फिर से करंट ट्रांसफार्मर है लाइन में, एक ये है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये है आपका करंट ट्रांसफार्मर, देन आफ्टर यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये वो प्रोटेक्टिव जोन है जिसके हमको क्या प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, कंपोनेंट। अब क्या करेंगे कि यहाँ से फिर उसके बाद ये आपका सपोज यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, हमने दो चीजों को एक्सप्लेन किया इस इंपेडेंस ऑपरेशन में, एक फॉल्ट तो यहाँ हो रहा है F1 और दूसरा फॉल्ट बाहर हो रहा है वो है आपका F2। दोनों के लिए इसका रिएक्शन क्या होगा इंपेडेंस रिले का उसको समझेंगे, देन अगेन सर्किट ब्रेकर, एक बस बार आ जाएगा, फिर सर्किट ब्रेकर, देन आफ्टर आपका ट्रांसमिशन लाइन चल जाएगा। सो लेट अस स्टडी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ इंपेडेंस रिले। ये जो था उसके इसके जो ट्रांसमिशन लाइन में इंपेडेंस रिले का जो क्या रोल है, क्या पोजिशनिंग है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन था। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इंपेडेंस रिले। देखिए इसका जो ऑपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि वोल्टेज जो है जो कि आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से मिल रहा है इस रिले को, और जो करंट एलिमेंट है, द रिले इज एक्साइटेड फ्रॉम अ करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर से हमको करंट मिलता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से पोटेंशियल वोल्टेज मिलता है इस रिले को। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आपका इंपेडेंस होता है, क्योंकि हम इसमें दो एक्चुएटिंग क्वांटिटीज लेते हैं, दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है। जो पोर्शन ए बी आप लोग देख रहे हो यहाँ से, ये ए से ये बी, ठीक है, यहाँ तक का जो इंपेडेंस है वो जेड है, और जिस फॉल्ट पॉइंट पे इंपेडेंस हो रहा है वहां का इंपेडेंस है जेड एफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि द लाइन अंडर प्रोटेक्शन एंड द करंट एलिमेंट फ्रॉम द सिटी विद द लाइन, द पोर्शन ए बी ऑफ द लाइन इज प्रोटेक्टेड जोन, प्रोटेक्टिव जोन अंडर नॉर्मल ऑपरेशन ऑपरेटिंग कंडीशंस। क्या होता है, जो आपका इंपेडेंस ऑफ द लाइन है वो कितना होगा, वो होगा आपका ये जेड, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में आपका इंपेडेंस क्या होगा, ये जेड होगा। अब आगे देखते हैं, रिले को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इट क्लोजेज इट्स कॉन्टैक्ट व्हेनेवर द इंपेडेंस ऑफ द प्रोटेक्टेड सिलेक्शन जोन फॉल्स बिलो द सेट वैल्यू दैट इज जेड। मतलब जेड से अगर वैल्यू कम हो जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपका फॉल्ट आ रहा है, यहाँ पर आपका फॉल्ट आ रहा है, तो आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंपेडेंस है वो कितना हो गया, जेड है। टोटल आपका डिटरमाइंड जो प्रीसेट वैल्यू कितनी है, जेड, ये जेड जो है आपका ग्रेटर देन है जेड एफ से। अगर ये उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका आपका इंपेडेंस रिले क्या करेगा, वो ऑपरेट करेगा, वो उसको ओपन कर देगा और आइसोलेट कर देगा फॉल्टी सेक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Now assume that a fault occurs at point F1. हम assume कर रहे हैं कि F1 पे एक fault हो रहा है जो कि आपके protective zone में ही है। तो जो आपका impedance है वो क्या होता है, वो ratio होता है voltage और current, ठीक है, जो कि हमको PT और CT से मिलते हैं। Between the point where the relay is located, ठीक है। अब ये क्या जो impedance है ये कहाँ से कहाँ तक अपन measure करते हैं, जहाँ आपका relay का location है, और वहां से आपके जो क्या फॉल्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस चीज पे डिपेंड करता है, बिकॉज इंपेडेंस हमको मालूम है वोल्टेज बटे करंट, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि बिटवीन द पॉइंट वेयर द रिले इज लोकेटेड एंड द पॉइंट ऑफ द फॉल्ट,
विल बिकम लेस देन दी जेड, हेंस द रिले ऑपरेट्स शुड द फॉल्ट ऑकर बियॉन्ड द प्रोटेक्टेड जोन एंड इम्पीडेंस विल मोर देन जेड एंड द रिले डू नॉट क्लोज। अब सपोज मान लो कि अगर हम इस फॉल्ट पॉइंट एफ टू की बात करते हैं, और ये एफ टू कहाँ पर है आपका, ये एफ टू है यहाँ पर, ये है आपका फॉल्ट पॉइंट टू एफ टू, ठीक है। यहाँ पर फॉल्ट होता है तो ये चूंकि हमारा प्रोटेक्टिव जोन कहाँ तक है, हमारा जो प्रोटेक्टिव जोन है वो है आपका एफ वन है, फॉल्ट पॉइंट जो है आपका वो इस एफ वन पे, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, तो आपका जो इम्पीडेंस, जो नेट इम्पीडेंस हो जाएगा वो अब जेड एफ हो जाएगा। पहले कितना था, जेड था, ये आपका प्री डिटरमाइंड वैल्यू था, ये जेड जो है ये आपका प्री डिटरमाइंड था, ये जेड एफ जो है आपका इस बीच की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन चूंकि आपका फॉल्ट कहाँ हो रहा है, अब इस केस में क्या होगा, आपका रिले ऑपरेट करेगा, तो रिले क्या होगा, रिले ऑपरेट करेगा कब, जब आपका एफ वन फॉल्ट पॉइंट होगा। लेकिन ये जब एफ टू होगा तो ये इस प्रोटेक्टिव जोन के कहाँ है, बाहर है, तो आपका फॉल्ट क्या होगा, रिले क्या होगा, ऑपरेट नहीं करेगा, रिले ऑपरेट नहीं करेगा, बिकॉज ये जो है प्रोटेक्टिव जोन से बाहर है। मतलब आपका जो इम्पीडेंस है ये जेड प्लस, सपोज मान लो कि आपका ये जो इस छोटे से रीजन का जो इम्पीडेंस है वो कितना है, डेल जेड है, तो ये जेड ये यहां से यहां तक का इम्पीडेंस आपका जेड है, और ये छोटा सा जो है डेल जेड है, तो टोटल नेट जेड कितना हो जाएगा, नेट जेड प्लस डेल जेड, ठीक है। नेट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल जेड, जो कि इस इम्पीडेंस से ज्यादा है, जो प्री सेट वैल्यू है इम्पीडेंस की उससे ज्यादा है, इसलिए रिले क्या होगा, ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर यही फॉल्ट जब आपका अंदर होगा तो रिले क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, बिकॉज जेड एफ इज लेस देन जेड, और हमने पहले ही बताया था कि डिस्टेंस रिले विल ऑपरेट व्हेन द इम्पीडेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव जोन का इम्पीडेंस जो है वो प्री सेट वैल्यू से बिलो हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी जो ऑपरेटिंग टॉर्क है, मैकेनिज्म है, या फिर इसका जो टॉर्क इक्वेशन है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इम्पीडेंस रिले, एक इम्पीडेंस रिले का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है। तो ये जो इम्पीडेंस रिले है इज अ डबल एक्चुएटिंग क्वांटिटी रिले, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये डबल एक्चुएटिंग क्वांटिटी रिले है। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, एक है करंट और एक है आपका जो है वोल्टेज ऑपरेटेड एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीजें आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि ये आपको पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस करता है या पिकअप टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जो आपका वोल्टेज एलिमेंट है वो आपका रीस्टेनिंग या नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो जो स्प्रिंग का कंट्रोल है उसको अपन के तरह से डिनोट करते हैं, चूंकि ये भी एक रीस्टेनिंग टॉर्क होता है, इसलिए हमको इसको क्या करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो अब आ जाते हैं अब इसके टॉर्क इक्वेशन के बारे में। अब इसके जो टॉर्क इक्वेशन है आपका, ये जो देख रहे हो इस टॉर्क इक्वेशन में, आप देखना कि इस टॉर्क इक्वेशन में एक बिकॉज ऑफ द करंट एलिमेंट है, एक वोल्टेज एलिमेंट है, और दूसरा तीसरा जो K3 जो है वो आपका वो स्प्रिंग टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो V एंड I आर द RMS वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द PT एंड CT, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि व्हेन द रिले इज ऑन वर्ज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन, दैट मींस द नेट टॉर्क विल बी जीरो। वर्ज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन तब होता है जब आपका ऑपरेटिंग टॉर्क, जब आपका क्या है, आपका जब आपका ऑपरेटिंग टॉर्क, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, ऑपरेटिंग टॉर्क जो है वो इक्वल होता है रीस्ट्रेनिंग टॉर्क के, दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड वर्ज ऑफ ऑपरेशन। इस कंडीशन में जो नेट टॉर्क होता है टी, वो क्या होता है, जीरो होता है। अब बात आती है कि
क्या हो जाएगा फिर, आपकी जो निगेटिव वाला एलिमेंट है आपका K2V² इधर आ जाएगा, K1I² और -K3 K3 रहेगा, तो V/I जो है आपका Z होता है, तो इस V² / I² निकालेंगे, तो बाकी वैल्यूज को उधर रख के अपन स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। देन आफ्टर जो K3 है आपका, ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका स्प्रिंग कंट्रोल है, अगर इसको अपन नेगलेक्ट कर दें, इफ वी नेगलेक्ट इट टू 0, देन इम्पिडेंस विल बी √K1/K2। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है इम्पिडेंस की वो क्या है, इस बात पर डिपेंड कर रही है √K1/K2 की। हेंस जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपका ऑफ वी एंड करंट एज शोन इन द फिगर, नीचे हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पेज में, इसके जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है।